हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में इनडायरेक्ट मेथड के बारे में अभी तक हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ लिया है और डायरेक्ट मेथड में हमने वहाँ पे कॉल्टर काउंटर मेथड, पेट्रोफ हाउसर काउंटर मेथड वो सब सारे सारे स्टडी कर लिए थे अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की और इनडायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेट काउंट की प्लेट काउंट मीन्स प्लेट काउंट की जो प्लेट है या पैट्री प्लेट है उसमें हम बैक्टीरियल की कॉलोनीज जो है वो हम काउंट कर रहे हैं मैनुअली ठीक है अब इसके लिए जो प्लेट काउंट मेथड है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने कि ये जो प्लेट काउंट मेथड होता है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड है और इसके अंदर जो मेथड है वो आ, इसके अंदर हम केवल वायबल सेल्स मतलब कि जो लिविंग सेल्स हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं उसके बाद यहाँ पर जो है Uh, एक जो यानी कि ये दोनों पॉइंट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज और ओनली वायबल सेल्स जो काउंट कर रहे हैं ये दोनों इसके डिस ये दोनों ही इसके एडवांटेजेस हैं लेकिन ये मेथड इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये जो मेथड होता है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है टाइम टेकिंग मीन्स कि अभी हम देखेंगे कि जो प्लेट है जो हमारी अगार प्लेट है उसको जब हम इंक्यूबेट करेंगे तो उसके लिए हमें करीबन चौबीस से अड़तालीस घंटे का टाइम लगता है ताकि बैक्टीरियल कॉलोनीज पूरी तरीके से डेवलप हो पाए अब यहाँ पर जो है इट इज अजीम दैट इज और एक और चीज जो हमें यहाँ पर डिस्क जो हमें यहाँ माननी पड़ती है वो हम ये मानते हैं कि एक बैक्टीरिया एक ही कॉलोनी को जनरेट कर रहा है इन दिस मैथड इट इज एज्यूम दैट ईच बैक्टीरिया ग्रोज एंड डिवाइड एंड प्रोवाइड सिंगल कॉलोनी यानी कि यहाँ पर हम ये मानते हैं कि एक बैक्टीरिया एक ही कॉलोनी को बना रहा है लेकिन जरूरी नहीं है ये सही हो एक बैक्टीरिया एक से ज्यादा कॉलोनीज को भी बनाता है और बना सकता है लेकिन हम इसमें यही अजम्शन मानते हुए कॉलोनी को काउंट करते हैं ठीक है तो ये एक आप इसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं तो जो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मल्टीपल कॉलोनीज डेवलप करते हैं या मल्टीपल चेन फॉर्म में रहते हैं वहां पर ये जो मेथड है थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता यहां पर जो है प्लेट काउंट ऑफन रिपोर्टेड एज द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो प्लेट होती है वहां पर जो प्लेट को हम उसके अंदर जो कॉलोनी काउंट करते हैं उसके अंदर प्लेट काउंट को यहाँ पर एक रेफर किया जाता है दैट इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सी एफ यू एस ठीक है यानी कि प्लेट के अंदर हर कॉलोनी को हम एक यूनिट मानते हैं ठीक है यानी कि हम ये मान रहे हैं कि हर बैक्टीरिया हर एक कॉलोनी एक कॉलोनी बना रहा है और हर कॉलोनी एक यूनिट है तो पूरा ओवरऑल हम इसको बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स उसके बाद जब हम पैटर डिश लेते हैं पैटर डिश के अंदर जो कॉलोनीज uh, डेवलप हुई हैं यहाँ पर हम जो कॉलोनीज तो हैं वो इस हिसाब से लेते हैं कि हर पैट्री प्लेट्स के अंदर करीबन 25 से 2250 यानी कि 250 सौ पचास ढाई सौ ठीक है पच्चीस से 250 के आसपास कॉलोनीज हो एक पैट्री प्लेट में या कुछ जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट या कुछ लैब के अंदर हम 30 से 300 तक की कॉलोनीज को प्रेफर करते हैं यानी कि एक पैट्री प्लेट के अंदर जो है जैसे ये एक पैट्री प्लेट है ये जैसे एक कगार की प्लेटरी प्लेट से तो इसके अंदर जो है कॉलोनीज जो है डेवलप हो वो करीबन जो है पच्चीस से ढाई सौ तक की कॉलोनीज डेवलप हो सकती हैं ठीक है अब यहाँ पर जो है यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो प्लेट काउंट मैथड होता है उसे हम दो तरीके से करते हैं एक तो आपका स्प्रेड प्लेट टेक्निक और उसके बाद आपका पोर प्लेट टेक्निक यानी कि दो तरीके से हम प्लेट काउंट मेथड करते हैं एक तो आपका स्प्रेड प्लेट टेक्निक और दूसरा है पोर प्लेट टेक्निक ये दोनों ही मैथड अगर आपको याद हो तो हमने बैक्टीरियल आइसोलेशन में स्ट्रीकिंग पोर प्लेटिंग ये सब पढ़ रखा है तो स्ट्रीकिंग और पोर प्लेटिंग और स्प्रेड प्लेटिंग ये सब टेक्निक्स जो है वो बैक्टीरियल आइसोलेशन टेक्निक्स भी हैं तो यहाँ पर हमें उसी तरीके से पढ़ना है सिर्फ यहाँ पर हम आपको एक प्रोसीजर बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कॉलोनीज़ को आपको काउंट करना है सबसे पहले जो है हम आप पोर प्लेट पढ़ेंगे पोर प्लेट मतलब क्या है जैसे हमें नाम से पता लग रहा है कि आपको कोई चीज पोर करनी है प्लेट में प्लेट मतलब अगार प्लेट में या पैट्री प्लेट में ठीक है अब यहाँ पर होता क्या है कि जो भी आपका बैक्टीरियल ग्रोथ है या जो आपका बैक्टीरियल कल्चर है वो अगर आप सीधे जो है इसके अंदर ले, ले लेते हैं अगार प्लेट जो प्रिपेयर्ड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अगार प्लेट्स हैं उनके अंदर आप डायरेक्ट लेते हैं तो कॉलोनीज बहुत क्लम्ब्स में डेवलप हो जाती हैं ठीक है तो इसके लिए हमें सीरियल डायल्यूशन्स करने पड़ते हैं और उस डाइल्यूशन की वजह से जो हमारा कल्चर है वो उतनी कॉलोनीज़ देने में कैपेबल हो जाता है जितनी हम काउंट कर सकते हैं और काउंट के लिए हमने एक रेंज डिसाइड कर रखी है 25 से 250 या 30 से 300 यहाँ यहां पर जो है सीरियल डाइल्यूशन को आप समझिए कि सीरियल डाइल्यूशन हम दोनों ही रेंज में करेंगे अब कैसे करते हैं वो आप समझिए कि जैसे अगर आप देखें कि सीरियल डाइल्यूशन सीरियल डाइल्यूशन का एक डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ सीरियल डाइल्यूशन जो है वो यहाँ पर जैसे सपोज दैट कि आपके पास एक जो है आपके पास ब्रॉथ है है ना ये आपका बैक्टीरियल कल्चर है और यहाँ से आपने बैक्टीरियल कल्चर या आपके पास बैक्टीरियल कल्चर है ठीक है अब ये जो बैक्टीरियल कल्चर है ये यहाँ पर जो आपने क्या करा है कि इसमें से ये जो है बैक्टीरियल कल्चर से आपने यहाँ पर नाइन एम कल्चर ले लिया है है ना और इसमें से वन एम कल्चर आपने इसके अंदर डाला है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका बैक्टीरियल कल्चर जो आपके पास ऑलरेडी तो है उसमें से आपने यहाँ पर वन एम डाला है बैक्टीरियल कल्चर और यहाँ पर नाइन एम ब्रॉथ है यानी कि 9 ml जो है जो है आपने मीडिया तैयार कर रखा है अब यहाँ पर ये जो डाइल्यूशन हुआ यानी कि एक इस वन इस टेन का रेशो आ गया ठीक है यानी टोटल टेन अब यहाँ पर जो है वो आप क्या करोगे सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ डालोगे तो यहाँ पर एक मिनट में दूसरा पैन ले लेती हूँ तो ये है पेन हाँ अब यहाँ पर जो है ये वन एस टू टेन का कैसे समझ में आया आपको कि ये जो है आपका, 1, ये आपका वन ये वन एम एल आपने लिया और नाइन प्लस वन टेन तो वन इज टू टेन हो गया अब ये जो ब्रॉथ है अगर इसको आप इनोकुलेट करेंगे पैटरी प्लेट में तो बहुत ज्यादा क्लम्पसिंग क्लम्पिंग आपको दिखेगी और ओवर क्राउडेड ग्रोथ दिखेगी बैक्टीरिया की अब यहां पर अगर आप यहां से अगर एक एम एल लेंगे किसके अंदर नाइन एम एल ब्रॉथ जो ऑलरेडी आपका आ, आ, मीडिया है उसके अंदर तो ये जो आपकी डाइल्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा वन एस टू हंड्रेड उसके बाद यहाँ से आप जो लेंगे वन एम एल और नाइन एम एल आपका मीडिया है तो यहाँ पर जो आपकी आ, रिजल्टेंट डाइल्यूशन बनेगा दैट इज़ वन एस टू थाउजेंड ठीक है और यहाँ पर जो है अगर आप वन एम एल लोगे तो ये यह यहाँ पर जो होगा नाइन एम एल तो दैट इज वन इज टू ये आपका डायल्यूशन होगा एंड ये जो डायल्यूशन है ये डायल्यूशन आपका बहुत अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है ठीक है यानी कि आप चाहते हैं तो आप इससे भी आगे डाइल्यूट कर सकते हैं वन एम आपने यहाँ लिया तो ये आप हो गया आपका नाइन एम और ये हो गया डाइल्यूशन आपका वन इज टू तीन दो ये एक मिल्टर. ये दो एक दो तीन ठीक है तो ये आपका डाइल्यूशन हो गया ठीक है तो यहाँ पर जो आपका बेस्ट डाइल्यूशन होता है जिसे आप इंक्यूबेशन के लिए लेते हैं दैट इज वन एज टू वन एज टू वन टेन थाउजेंड वन एज टू टेन थाउजेंड देखिए ना वन टेंस हंड्रेड टेन हंड्रेड और हंड्रेड थाउजेंड ना हाँ टैंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वन ट्रेड थाउजेंड थाउजेंड ठीक है तो ये आपका जो टेन थाउजेंड है वो डायल्यूशन जो है वो अप्रोप्रिएट है जो कि वही डायलूशन आपको ट्वेंटी 25 थर्टी से थ्री हंड्रेड 30 की रेंज की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा तो डायलूशन समझ में आया कि सबसे पहले हम एक एम एल ब्रॉथ लेंगे मतलब कि आपके पास जो ऑलरेडी कल्चर्ड प्रिपरेशन है आपकी बैक्टीरिया का जो टेस्ट ट्यूब है जो कि ऑलरेडी आपने चौबीस से अड़तालीस घंटे का आपने रख रखा था उसमें से आप एक एम एल लेंगे और इसमें नाइन एम एल मीडिया डालेंगे तो ये हो गया आपका वन इज टू टेन उसमें एक एम लेंगे और ये वन इज टू हंड्रेड एक एम लेंगे वन इज टू थाउजेंड एक एमएल लेंगे वन इज टू टेन थाउजेंड और एक एम लेंगे तो वन एज टू वन वन लैक हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आता है दैट इज वन एज टू टेन थाउजेंड इसको भी हम प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉलोनीज जो होती हैं वो इतनी कम आ जाती हैं कि वहाँ पर जो है उनको काउंट करने का को कोई मतलब नहीं रहता ठीक है अब हम बात कर लेते हैं पोर प्लेट जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हमें कुछ चीज़ पोर करनी है प्लेट के अंदर तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा डाइल्यूशन प्रिपेयर डाइल्यूशन है जैसे इस रेंज का डायल्यूशन है तो वो हम उतना वो जो डाइल्यूशन हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है उसका हम वन एम एल या 0.1 ml या जीरो पॉइंट वन एम एल प्रिपरेशन लेंगे पैट्री प्लेट के अंदर और पैट्री प्लेट के अंदर हम क्या करेंगे न्यूट्रिय मीडिया जो है वो पोर करेंगे ये न्यूट्रिएंट मीडिया या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो होगा वो हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखेंगे लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है कि वो जम जाता है सॉलिडिफाई हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अगार अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उस वो सॉलिडिफाई ना हो इसीलिए हम वाटर बाथ में करीबन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पे उसको रखेंगे और यहाँ पर उस मीडिया को उस पैट जो मीडिया है उसको पैट्री प्लेट में डाल देंगे ठीक है अब मीडिया को बैटरी प्लेट में डाल दिया है नाउ इसको हम सॉलिडिफाई होने देंगे अब ये जो पैटरी प्लेट है जिसमें हमने मीडिया डाल दिया देखिए यहाँ पर ये जो पैटरी प्लेट है है ना ये पैटरी प्लेट यहाँ पर हमने ये सपोज सपोजेड ये टेस्ट ट्यूब है और ये हमने मीडिया ये डाल दिया है है ना ऑलरेडी हमने यहाँ पर वन एम कल्चर रख दिया है ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमने ये पूरा डाल दिया है ना ये हमने मीडिया डाल दिया ठीक है अब क्या हुआ है कि इंक्यूबेशन के बाद इसके अंदर जो इंक्यूबेशन है उसके लिए आप अप्रोप्रिएट टेम्परेचर करीबन 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखेंगे और 24 से 48 घंटे का टाइम ड्यूरेशन लेंगे और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कॉलोनीज़ हैं वो कॉलोनीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी कुछ नीचे होंगी कुछ ऊपर होंगी यानी कि पूरे सरफेस पे ये कॉलोनीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और कॉलोनीज जब ग्रो होंगी तो उनको आप काउंट करेंगे एंड काउंट दैम और आपको पता लग जाएगा कि जो आपने आधर वन एम या जीरो पॉइंट वन एम लिया था जो प्रिपरेशन उसके अंदर कितने बैक्टीरियल्स जो हैं वो प्रेजेंट है तो आप ऐसा कैलकुलेशन कर सकते कि वन एम में इतना तो टेन एम एल में कितना कैलकुलेशन है ठीक है उसको आप टेन से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर ये यह जो पोर प्लेट है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमने यहाँ देखा कि जो मीडिया है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं तो यहाँ पर जब हम इसको सीधे पोर कर रहे हैं उस हमारे वन एम कल्चर के ऊपर तो करीबन जो कई बार जो ऐसा होता है कि जो हीट सेंसिटिव बैक्टीरियाज होते हैं हीट सेंसिटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है वो आ, जो है वो बैक्टीरिया वहां पर खराब हो जाते हैं या कह सकते हैं डेड हो जाते हैं तो हीट सेंसिटिव बैक्टीरियास के लिए जो है आ, बड़ी दिक्कत होती है इस तरीके के पोर प्लेट मेथड में दूसरा यह है कि जो कॉलोनीज जो बीनीथ सरफेस पे हैं जो कॉलोनीज बीनीथ सर्फेस पे हैं कॉलोनीज बनीथ द कॉलोनीज बीनीथ द सर्फेस वो क्या होगा उनको आप काउंट कई बार नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कई बार आपको ढंग से विजिबल नहीं हो पाती हैं तो उन कॉलोनीज़ को काउंट करना कई बार दिक्कत करता है तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन एडवांटेज ये है कि ये जनरल यूज प्रिपरेशन है और जनरल यूज मेथड है और इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है इसमें डायल्यूशंस के थ्रू हम कई बार एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं ठीक है अब हम बात कर लेते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड की स्प्रेड प्लेट मेथड क्या कहता है स्प्रेड वर्ड क्या क्या है स्प्रेड वर्ड क्या कह रहा है स्प्रेडिंग करना आप अपनी चीज अपने डायल्यूशन को या अपने कल्चर को बिखेर रहे हैं सबसे पहले जो आपका ब्रॉथ है उसको आप सेम इसी तरीके से डायल्यूट करेंगे और करीबन आप वन इज टू टेन थाउजेंड का डायल्यूशन को प्रेफरेंस देंगे यहाँ पर स्प्रेड प्लेट मेथड के अंदर आप जो डायल्यूशन लेंगे दैट इज पॉइंट वन एम एल डायल्यूशन लेंगे और 0.1 वन जो डाइल्यूशन है यानी कि इसमें इसको आपने प्रिपेयर कर लिया और इसका 0.1 वन अमाउंट जो है आप ऑलरेडी जो सॉलिडिफाइड प्लेट्स हैं यानी कि आपने क्या करा जो प्लेट्स हैं पैट्री प्लेट्स उनके अंदर आपने न्यूट्रिएंट अगार डाला उसको सॉलिडिफाई किया और उसके बाद वहां पर जो है पॉइंट वन डाला अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आप पैट्री प्लेट है इस पैट्री प्लेट में आप न्यूट्रिएंट अगार डाल रहे हैं या आपने न्यूट्रिएंट अगार डाल के इसको सॉलिडिफाई कर लिया यहाँ पर उस सॉलिडिफाई करने के बाद जो पॉइंट वन एम कल्चर डाला पॉइंट वन एम जो कल्चर डाला अब उस पॉइंट वन एम कल्चर को आप स्प्रेड करवाएंगे यूनिफॉर्मली एंड स्प्रेडिंग के लिए यू शुड यूज द स्प्रेडर स्प्रेडर की हेल्प से स्प्रेडर क्या होता है एक एल शेप आ, आप कह सकते हैं कि एक एल शेप ट्यूब होती है इसको मैं ब्लू से बनाती हूँ तो आपको समझ में आएगा आप इसको एक रोटेटिंग प्लेट पे रखेंगे और एक एल शेप का जो स्प्रेडर होता है उसको ऐसे लगा देंगे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे ये आपकी पैट्री प्लेट है सपोज दैट जैसे ये आपकी फैक्ट्री प्लेट है इसमें आपने एक एल शेप का स्प्रेडर लगा दिया है ना अब आप इसको घुमा रहे हैं आप इसको घुमा रहे हैं तो धीरे 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 ये जो आपका जो डायल्यूशन uh, है जो बैक्टीरियल uh, कल्चर uh, है वो भी आपका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्प्रेड हो जाएगा इवनली यहाँ पर आप उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन उसको इंक्यूबेट इंक्यूबेशन पे लेके जाएंगे नाउ आप कॉलोनीज को ग्रो होने देंगे एंड काउंट दें और कॉलोनीज को काउंट होने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि पॉइंट वन एम एल में कितना है तो वन एम एल में कितना देन टेन एम एल में कितना है आपका ठीक है यहां पर स्प्रेड प्लेट टेक्निक और पोर प्लेट टेक्निक का एक मैं डायग्राम यहां पर आपको बताना चाह रही हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि स्प्रेड प्लेट टेक्निक और पोर प्लेट टेक्निक में क्या डिफरेंस है तो इस डायग्राम से आपको ये समझ में आ रहा है कि जो स्प्रेड प्लेट टेक्निक है उसके अंदर एल शेप स्प्रेडर से आपने स्प्रेड किया है और पोर प्लेट टेक्निक में आपने कल्चर को पोर किया है और जो लिक्विड मीडिया है उसके बाद आपने उसके अंदर जो है डाला है और फिर फाइनली उसको सॉलिडिफाई होने के बाद उसको इंक्यूबेशन किया है तो यहाँ पर जो है स्प्रेड प्लेट टेक्निक और पोर प्लेट टेक्निक को हम कंप्लीट करते हैं नाउ वी विल स्टार्ट द फिल्ट्रेशन मैथड एंड द टर्बिडिटी मैथड अब हम बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और टर्बिडिटी मेथड के बारे में मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड लिक्विड सैंपल और सेमी सॉलिड सैंपल के लिए ही सही है ये सॉलिड सैंपल्स के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है इस मेथड में हम करते क्या हैं एक हमारे पास फिल्टर होता है मेम्ब्रेन फिल्टर जिसे हम कहते हैं और उसका जो पोर साइज होता है दैट पोर साइज इज अप्रॉक्स ज़ीरो पॉइंट फोर माइक्रोन मीटर और ये जो आ, पोर साइज है ये इतना पोर साइज है कि ये माइक्रोबियल कल आ, जो माइक्रोब्स होते हैं यानी बैक्टीरिया को उसके अंदर रिटेन करके रख सकता है अब सपोज दैट कि हमारे पास कोई सैंपल है जैसे हमारे पास वाटर है सैंपल या मिल्क का सैंपल है तो उसके अंदर हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया है या नहीं है जनरली ये जो मेथड होता है ये स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज और जो कॉलीफॉर्म्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मेथड है यहाँ पर ये जो जो नॉन फिल्टर है जो नॉन जो यहाँ पर जो फिल्टर है जिसका पोर्स साइज 0.4 पॉइंट फोर है उस फिल्टर के अंदर से हम हमारा जो सैंपल है जो हमारे पास जो नॉन वॉल्यूम है सपोज दैट जैसे आपका एक लीटर सैंपल है या टेन लीटर सैंपल है उसको हम पास करते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन जैसे यहाँ पर मैंने मेम्ब्रेन को फिक्स किया है और यहाँ पर सैंपल को मैं पास कर रही हूँ सपोज दैट वाटर को पास कर रही हूँ और ये वाटर फिर यहाँ कलेक्ट होता जा रहा है अब ये जो फ़िल्टर है इस फिल्टर को बहुत जो है नीटली उसको वहाँ से पिक करना है एंड जो ऑलरेडी सॉलिडिफाइड अगार मीडियम है उसके ऊपर हमें प्लेस कर देना है ठीक है फिल्टर इज़ प्लेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट ग्रोथ मीडियम और उसके ऊपर जो है हम ग्रोथ मीडियम के ऊपर उसे रख देते हैं और उसे हमें इंक्यूबेशन के लिए फाइनली रखना है यहाँ पर इंक्यूबेशन के बाद हम ये देखेंगे देखिए मैंने यहाँ पर उसका प्लेट्स का ऊपर का विज़न यानी कि अपर साइड का विज़न देखा है यहाँ पर डिनोट किया है कि यहाँ पर जो पैट्री प्लेट है और उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन रखी हुई है इनक्यूबेशन के बाद उस मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको ग्रो करे हुए दिखाई देते हैं ठीक है तो इससे आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पर जब आप इन कॉलोनीज को काउंट करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि जितना भी आपका सैंपल है सपोज इट वन लीटर टेन लीटर टू लीटर वट जो सैंपल है उतना सैंपल जो है इतनी कॉलोनीज को ग्रो करता है तो जो है उसका अगर हम उसका मल्टीपल टाइम्स करें तो कितना वो कॉलोनीज काउंट को ग्रो करेगा ठीक है तो जो मेमर फिल्ट्रेशन मेथड है इसमें एक खास बात ये है कि ये लिक्विड और सेमी सॉलिड सैंपल के लिए है ऐसे सैंपल जो उस फिल्टर से पास हो सकें सॉलिड्स जो सैंपल है वो उस मिल्टर उस फिल्टर से पास नहीं हो सकते नाउ अब हम बात कर देते हैं टर्बिडिटी मैथड की टर्बिडिटी मैथड टर्बिडिटी मतलब कि होता है धुंधलापन ठीक है तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो बैक्टीरिया है जब वो किसी लिक्विड मीडिया में हम ग्रो करते हैं और उसके ग्रोइंग के बाद जब हम उस मीडिया को देखते हैं आफ्टर इंक्यूबेशन 24 फोर या 42, 48 टू आवर्स के बाद तो हम ये देखते हैं कि वो मीडिया कैसा हो जाता है धुंधला ठीक है उस मीडियम को हम बोलते हैं टर्बिड सोल्यूशन ठीक है ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो जो बैक्टीरिया उसके अंदर जब ग्रो करते हैं तो वो एक तरीके का कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाता है कैसा सोल्यूशन बन जाता है कोलॉइडल सोल्यूशन अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया आपके पास है अब उसको आप जो है मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर ठीक है दोनों में से कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या आपका जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर यहाँ पर क्या किया जाता है पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ लें कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स लिया जाता है इसके अंदर इसके अलावा एक फिल्टर होता है जो कि फिल्टर उसकी रेस को केवल एक वेवलेंथ पे जो है पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही अलाउ करता है पास करने के लिए उसके बाद यहां पर एक सैंपल ट्यूब ली जाती है जिसमें से बैक्टीरियल सस्पेंशन डाला जाता है और फाइनली जब बैक्टीरियल सस्पेंशन यानी कि जब कोई भी सेल उन रेज को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो जैसे सपोज इट यहाँ पर लाइट है लाइट की जैसे हंड्रेड रेज बाहर निकली अब जब बैक्टीरियल सस्पेंशन से इसको पास किया जाएगा तो बैक्टीरियल सेल क्या करेंगी कुछ परसेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो यहाँ पर जो हंड्रेड लाइट निकली थी उसका काफ़ी परसेंट जो है वो बैक्टीरियल सेल एब्ज़ॉर्ब कर चुकी है और कुछ ही रेज जो होंगी वो ट्रांसमिट आउट होंगी तो यहाँ पर जो डिटेक्टर है डिटेक्टर की हेल्प से कितना परसेंट लाइट आता है ट्रांसमिट हुआ है उसको जो है जो है कंसेंट्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है क्योंकि जो एब्जॉर्बेंस है कितना परसेंट लाइट जो आया है जो एब्जॉर्ब हुआ है वो प्रोपोर्शनल होता है सेल कंसंट्रेशन के और यहाँ पर हमें एब्जॉर्बेंस कैसे निकलती है कि कितना परसेंट लाइट ट्रांसमिट हुई है ठीक है वो reverse होती है 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 जो जो वो होती के भाई जो absorb हो गई है, जैसे सपोज दैट सो लाइट सो गिरी और सौ में से 99 नाइन एब्जॉर्ब हो गई तो एक ट्रांसमिट हुई और एक ट्रांसमिट हुई तो वहां पर हमें जो है डाटा उस हिसाब से का दिखा दिया जाएगा तो यहाँ पर होता क्या है एक बार और समझ लीजिए कि जो टर्बिडिटी मेथड है इसमें हम टर्बिड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ पर जो आपका आ, लाइट है यहाँ पर इसको इसका वर्किंग देखिए कि ये जो लाइट सोर्स है पहले इसमें से हम एक फिल्टर इस लाइट में से एक फिल्टर पास करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही आगे बढ़ने देता है और उस वेवलेंथ में सपोज दैट कि यहाँ पर हंड्रेड रेज जा रही हैं और यहाँ पर ये यह जो ट्यूब है जो कि आपका जिसके अंदर खाली ट्यूब है उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर वो कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब जो है ट्रांसमिट हो जाएगी और वो लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर पे जब जाएगी तो यहाँ पर वो बताएगा हंड्रेड ये है वन ज़ीरो जीरो वन जीरो जीरो हंड्रेड तो ट्रांसमिटेड लाइट का परसेंटेज कितना है हंड्रेड है इसका मतलब रस्ते में कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है यहां पर जो लाइट सोर्स है जब उसमें से फिल्टर को क्रॉस करवाया तो फिल्टर ने एक ही वेवलेंथ को आगे बढ़ाया और यहाँ पर उस बैक्टीरियल सस्पेंशन से जब वो क्रॉस हुआ वो लाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ का तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैक्टीरियल सस्पेंशन ने बहुत सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और केवल कुछ ही लाइट को ट्रांसमिट होने दिया आगे बढ़ने दिया और उस ट्रांसमिट लाइट को यहाँ पर लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर में से डिटेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर उसकी जो रीडिंग आएगी वो काफ़ी कम आएगी एज़ कम्पेयर टू दिस क्यों क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई तो एब्जॉर्बेंस का जो परसेंटेज है वो किसके परसेंटेज सेल के कंसेंट्रेशन प्रोपोर्शनल आएगा यानी कि जो लाइट का एब्जॉर्बेंस है वो प्रोपोर्शनल आएगा सेल के कंसेंट्रेशन के और उस हिसाब से वहां पर जो है कैलकुलेटिव मैनर में वो आपको लाइट का कंसेंट्रेशन से सेल का कंसेंट्रेशन भी दिखाएगा तो आई होप आपको चीज समझ में आई होगी अब यहाँ पर जो हमारा लाइट यानी कि जो टर्बिडिटी मेथड है इसके अंदर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फोटो इलेक्ट्रिक कलरी मीटर है ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट हाई डेंसिटी बैक्टीरियल सेल के लिए जो है रिक्वायर्ड होते हैं यानी कि ऐसी सेल जो हाई डेंसिटी कंटेनिंग होती हैं उनके लिए ये वाला सेल रिक्वायर्ड होता है आ, लेकिन कई ऐसे बैक्टीरियल सस्पेंशन हैं जो कि लो डेंसिटी वाले हैं तो उनके लिए नेफेलोमीटर एक बार मैं लेट में me, मुझे स्पेलिंग कन्फर्म कर लेने दीजिए एन ई पी एच ई एल ओ नेफ्लोमीटर एनी पी एच ई एल ओ है ना वन थिंग एन ई पी एच ई एल ओ है ना एन ई पी एच ई एल ओ नेफ्लोमीटर है ना ये ध्यान रखिए कि जो आपका टर्बिडिटी मेथड है जिसमें हम टर्बिडिटी मेथड में हम जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर ये जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर जो हमारा बैक्टीरियल सस्पेंशन है वो हाई डेंसिटी वाला होना चाहिए कैसा होना चाहिए फॉर हाई डेंसिटी सोल्यूशंस ठीक है लेकिन अगर सपोज देट कि आपके पास जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है जो कि लो डेंसिटी वाला है देन उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो होगा आपका नेफ्लोमीटर ओके लो डेंसिटी सोल्यूशन तो लो डेंसिटी सॉल्यूशंस यानी कि जिनके अंदर टर्बिडिटी बहुत कम आ रही है हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी मतलब है हाई डेंसिटी मींस कि जहां पर टर्बिडिटी बहुत ज्यादा आ रही है और लो डेंसिटी मतलब कि टर्बिडिटी बहुत कम आ पा रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको इतना परसेंट इतना सही अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं दे पाते तो उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट के लिए नेफ्लोमीटर यूज किया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा हाई डेंसिटी के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फोटोकलरिमिटर लेकिन आपका लो डेंसिटी के लिए नेफ्लोमीटर जो होता है वो एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसी तरीके के प्रिंसिपल पे काम करता है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी एज कंपेयर टू इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है अब हम बात कर लेते हैं अनादर मेथड की जो कि है नाइट्रोजन कंटेंट का मेथड है ठीक है तो मेजरमेंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इसके अंदर देखिए किसी कोई भी जो लिविंग सिस्टम है उसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है हम ये जानते हैं कि हमारा जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो सेम वही चीज जो है बैक्टीरिया के लिए भी एप्लीकेबल होती है क्योंकि उनका मेजर जो पार्ट होता है वो करीबन फोर्टी परसेंट जो पार्ट होता है उनका बॉडी स्ट्रक्चर का वो बना होता है नाइट्रोजन का तो अगर हम ये पता लगा लें कि एक बैक्टीरिया

या के अंदर वो करीबन 14% होता है ड्राई वेट का ड्राई वेट मतलब कि वहाँ पर अगर हम उसके अंदर पूरा अदर जो वेट है चाहे वो वाटर का है चाहे अदर कंटेंट का वेट है वो निकाल दें उसके सेल को ड्राई करने के बाद जो वेट निकलता है उसमें अगर नाइट्रोजन कंटेंट देखा जाए तो वो करीबन 14% होता है यहां पर जो तरीका है उसमें हम सबसे पहले सेल को हार्वेस्ट करते हैं यानी कि वही सेल को ग्रो करते, है, करते हैं कल्टीवेट करते हैं और फिर उसको जो है उसको हम वॉश कर लेते हैं ताकि वो मीडियम से जो पूरे तरह से फ्री हो सके उसके बाद नाइट्रोजन को एस्टिमेट किया जाता है कैटजल मैथड के थ्रू इसके अलावा और भी बहुत से मैथड है लेकिन मेनली प्रेफर किया जाता है कैटजल मैथड के थ्रू और वहाँ पर जो नाइट्रोजन आया है वो ये देखा जाता है कि करीबन एक सेल के अंदर फोर्टीन है तो कितनी सेल्स कितना हमारे पास आया है उस हिसाब से हम सेल को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर जो एडवांटेज है दैट इज़ कि ये बहुत रिलायबल मेथड है और इससे हमें काफी काफी एक्यूरेट काउंट जो है हमें मिल जाता है लेकिन अब केमिकल एस्टिमेशन मेथड इसमें हमें लगाना पड़ रहा है तो ये इसका इसी ये चर, चीज जो है इसको कहीं ना कहीं टीडीएस भी बनाती है इसके अलावा जो है यहाँ पर हमें सेल का डेंस सस्पेंशन मतलब काफ़ी ज़्यादा सस्पेंशन लेना पड़ता है तब जाके जो है मैथोलॉजी प्रॉपर लगती है इसके अलावा लेबोरियस प्रोसेस तो है ही उसके बाद हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन कंटेंट के बाद हम बात कर लेते हैं बायोमास के मेज़रमेंट के लिए बायोमास का जो मेजरमेंट है वो दो तरीके से किया जाता है आइदर ड्राई वेट और वेट वेट मतलब कि या तो उसको सुखा के या वो जब गीला है जो ड्राई वेट है उसको सॉरी uh, जो वेट वेट मेथड है वेट वेट मेथड इसको हम सेल वॉल्यूम मेथड भी कहते हैं यहाँ पर जो आपका ड्राई वेट मेथड है उसको हम समझ लेते हैं कैसे है ड्राई वेट मेथड जैसे कि हमें बता रहा है कि हमें सेल को ड्राई करना है तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन को सबसे पहले जो हमें बैक्टीरियल सस्पेंशन मिला है उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं अंडर डिफाइंड कंडीशन डिफाइंड कंडीशन मतलब कि प्रॉपर कंडीशन यानी किस बैक्टीरिया को कितने टेम्परेचर पर करना है ये सब प्रॉपर कंडीशन वहां मेंटेन करनी पड़ती है हमें किसी भी सेंट्री मशीन के अंदर उसके बाद जो है जो भी पैलेट्स जो होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं उन पैलेट्स को वॉश किया जाता है और ताकि जो मीडियम है वो वहाँ से हट जाए इसके बाद डेसिकेटर के अंदर इसे ड्राई किया जाता है और डेसिकेटर के अंदर करीबन 110 डिग्री या 100 से 105 डिग्री सेल्सियस पे इसको ड्राई किया जाता है इससे इसका जो जितना भी लिक्विड पार्ट है या जितना भी लिक्विड कंटेंट है वो सारा हट जाता है और अब इसके पास जो मैथड जो हमारे पास जो वेट आता है वो एक्यूरेटली प्योर बैक्टीरियल सेल का आता है ठीक है <laughs> यहाँ पर ये इसका जो एडवांटेज है वो है कि ये कॉमनली फिलामेंटस फंजाई और कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल होती है एक्यूरेट मेथड है क्योंकि हमें ड्राई मिल रहा है कहीं से भी कहीं तक जो है कोई भी वेट मतलब कि कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी में गड़बड़ आए लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कई बार ऐसा होता है कि जो बैक्टीरियल सेल के जो ए सेक्सुअल हैं वो भी इसके अंदर काउंट में आ जाते हैं क्योंकि वो भी ड्राई हो जाते हैं लेकिन और इसके अंदर एक दिक्कत ये है कि ये लाइव और डेड सेल दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता तो डेड सेल भी जो है वो ड्राई हो जाती हैं और काउंट में आ जाती हैं तो थोड़ी बहुत जो है गड़बड़ के चांसेस इसमें भी रहते हैं अब उसके बाद है वेट वेट मेथड यानी कि यहाँ पर हमको ये सेम वैसा ही है ड्राई मेथड जैसा लेकिन बस इसमें चूँकि वर्ड है वेट यानी कि यहाँ पर हमें इसे ड्राई नहीं करना है यानी डेसिकेटर वाला प्रोसेस नहीं करना है यहाँ पर जो है हम बैक्टीरियल सेल कल्चर को कलेक्ट करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं प्रॉपर एक ट्यूब आती है यानी कि सेंट्रीफ्यूज जल मशीन मसी, मशीन के अंदर एक प्रॉपर ट्यूब है दैट इज नोन एज द हॉपकिस ट्यूब उसके अंदर डिफाइंड कंडीशन में हम इसको जो है सेंट्रीफ्यूज करते हैं पैलेट जो सेटल डाउन होती हैं और उसको उसका वॉल्यूम हम उस जो है डिटरमाइन करते हैं एंड देन सेल कंसंट्रेशन को यानी सेल काउंट को पता करते हैं यहाँ पर जो वेट वेट मेथड है इसको सेल वॉल्यूम मेथड भी कहा जाता है यानी कि ये जो वेट वेट मेथड है इसको सेल वॉल्यूम मेथड भी कहा जाता है अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में पता करके हम जो है सेल कंसनट्रेशन या सेल काउंट पता करेंगे अब लास्ट मेथड के अंदर हम बात कर लेते हैं कि आ, जो है लास्ट मेथड मेथड है उसमें सेल एक्टिविटीज़ को हम मेजर करते हैं और सेल एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ द एसिड अगर प्रोड्यूस हो रहा है गैसेस अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको कैलकुलेट करके हम बैक्टीरियल सेल को या बैक्टीरियल सेल काउंट को एस्टिमेट करते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो है ये एक इनडायरेक्ट मैथड है यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने लिखा है इसमें इनडायरेक्टली जो है बैक्टीरियल काउंट को जो है काउंट बैक्टीरियल सेल को काउंट किया जाता है और उसके अंदर जो है अलग अलग जैसे गैसेज हैं जैसे सी ओ टू प्रोडक्शन है एसिड प्रोडक्शन है ये सब जो है मेजर किए जाते हैं अगर इनका जो अमाउंट है जैसे सपोज डेट कोई गैस सी ओ टू निकल रही है तो कितना अमाउंट निकल रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो सेल कंसंट्रेशन के कितना एसिड बन रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिड के ठीक है तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जैसे डाय रिडक्शन टेस्ट डाय रिडक्शन टेस्ट में जैसे सपोज डेट कोई आपका मिल्क जो है एज अ सैंपल हम ले रहे हैं और इसके अंदर कोई बैक्टीरिया पर्टिकुलर कितना अमाउंट में है यह हमें डिटरमाइन करना है तो हम इसमें मिथालिन ब्लू और रिसारसुरी रिसारजूरिन जो है ऐड करते हैं एंड उसमें हमें कलर मिलता है यहाँ पर वो जो कलर होता है वो ऑक्सीजन की उस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है ऑक्सीजन जनरेट करता है और कुछ जो है रिड्यूसिंग सब्सटेंस जनरेट करता है जिसके बाद वो कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है ठीक है तो कलर की जो रेंज है वहाँ पर कितना जो है कितना रेंज कलर का आया यानी कि किस स्ट्रेंथ का कलर आया उसको करके हम जो है वहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है कितना सेल का काउंट है ठीक है इसके बाद एक और जैसे आपका है गैस प्रोडक्शन गैस प्रोडक्शन को हम दुर्हम ट्यूबे को होती है जिसमें पर्टिकुलर जो है पीएफ सेंसिटिव इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं इसके अलावा जो है वहां पर जो है पर्टिकुलर ग्रोथ मीडियम डाला जाता है जो कि गैस प्रोडक्शन को डिटेक्ट करता है ठीक है अब यहाँ पर सपोज दैट कि अगर हमें यहाँ पर डिटेक्शन uh, यहाँ पर पर्टिकुलर जो है बैक्टीरियल कल्चर को देखना है तो वहां पर एसिड का प्रोडक्शन और गैस के प्रोडक्शन को पर्टिकुलरली डिटेक्ट किया जाता है और अगर ऐसा होता है तो ये कन्फर्म होता है कि कॉलिफोन्स बैक्टीरिया और ईस्ट जो है उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं एंड कितना अमाउंट में एसिड और गैस जनरेट हो रहा है उस हिसाब से हम बैक्टीरियल सेल काउंट को भी डिसाइड करते हैं यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है आई होप आपने पूरा लेक्चर एंजॉय किया होगा कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए अदरवाइज प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू